ER25UM टाइप का कॉलर चक है, स्ट्रेट शैंक कॉलर चक, पीछे का शैंक स्ट्रेट होता है इसलिए स्ट्रेट शैंक कॉलर चक कहते हैं, इसे बेबी चक भी बोलते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्टॉपिंग स्क्रू भी है जो कि एंड मिल की डायमी साइज को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के लिए होता है। और ये अलग अलग शैंक्स में अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है। आप ये देख सकते हैं ये वाला जो है इसका जो पीछे का शैंक है वो 100 mm का है, आगे वाला हिस्सा हटाकर जहाँ पे ये बट होगा वहाँ से 100 mm की लेंथ है, 4 इंच की लेंथ है इसकी, और नट तक ये 5 इंच के करीब है, टोटल मिला के करीब 6 इंच की लेंथ होती है इसकी जगह अबाउट 150 mm। उसी तरीके से और भी साइज हैं जिसके अंदर अलग लेंथ होती है। आप देखिए ये भी, ये अपना 25 की शैंक में ही 25 mm का है, ये पीछे का शैंक 25 mm है, आगे ईयर 25 का यूएम टाइप का नट है और इसकी लेंथ 100 mm है। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं jabro.com, जहाँ पे कि हर प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल लिखी हुई है, उसकी शैंक का साइज, उसकी लेंथ, उसके नट का डायमीटर, उसके नट के थ्रेड साइज और सारी डिटेल्स वहां से आप देख सकते हैं। ये 150 mm लॉन्ग है लेकिन ये 32 mm की शैंक में, इसका पीछे का जो शैंक है वो 32 mm का है, आगे ईयर 25 है। इसके अंदर ईयर 25 के अंदर 1 mm से लेके 16 mm तक की कॉलेट आती है, बट हमारी वेबसाइट पे आपको इसमें 17 mm की कॉलेट भी मिल जाएगी। हमारे पास 17 mm तक की कॉलेट अवेलेबल है ईयर 25 में, तो आप 1 mm से लेके 17 mm तक के शैंक के लिए इस कॉलेट चक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं।